हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर डोंगरी पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड सीनियर पीआई शबाना शेख के नेतृत्व में यहाँ पर चिल्ड्रन रूम्स, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस कोर्स के बारे में कुछ बताया गया, कुछ स्टेप्स बताए गए और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। बात करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी प्रियंका पाटिल जी से। मैडम नमस्ते, मैडम कैसा रहा ये प्रोग्राम? मैं एडवोकेट प्रियंका राणे पाटिल बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ और मैंने पहली बार देखा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और इसके लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगी मैडम शबाना शेख जी को, डोंगरी पुलिस स्टेशन की जो सीनियर पीआई है और डोंगरी के जो हमारे कंठीकर है और बाल कल्याण समिति, इन लोगों का प्रयत्न है इसलिए यह कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स इन लड़कियों को दिखाई दिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हर एक लड़की को आना चाहिए। छोटी छोटी सी टेक्निक्स रहती है, ये अगर हर महिला के लिए हो तो सुरक्षा के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है, सेल्फ एफिशिएंट हो सकती है और माँ दुर्गा जैसी हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे नियोजन जो पहली बार हमने ऐसे बाल कल्याण समिति के हैसियत से देखा है, ऐसे सभी जगह होना चाहिए। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी डोंगरी पुलिस स्टेशन और उनका जो कुछ भी स्टाफ है और डोंगरी हमारा जो स्टाफ है उसको। जी, हमारे साथ मिलिंद डिडवाई जी, चेयरपर्सन है CWC के। सर, कैसा रहा ये प्रोग्राम? आज का ये जो जागतिक महिला दिन का जो प्रोग्राम यहाँ पे डोंगरी उमर खड़ी चिल्ड्रन होम में मनाया गया है, इसका इनिशिएटिव कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो लिया था और उसके माध्यम से जो शबाना शेख मैडम जो डोंगरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। सच में बताना चाहूँगा कि ये डोंगरी के लड़कियों के सेक्शन में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है और इसका पूरा श्रेय निर्भया पथक, अभी निर्भया पथक बाहर घूम रहा है लेकिन अंदर जो लड़की है उनको पता नहीं कि निर्भया पथक क्या है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी ये जानकारी हुई कि निर्भया पथक एक्चुअली क्या कर रहा है, अगर ये लड़की बाहर जाती तो कभी भी वो पुलिस के द्वारा कैसे मदद ले सकती है, इसके बारे में जानकारी। जैसे मैडम ने बताया कि डिफेंस, लड़कियों को अपना खुद का डिफेंस कैसा करना है उसके बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई दिया और बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो उनको दिखाने के लिए एक चांस मिल गया है यहाँ पे। तो ये जो माहौल था आज का जागतिक महिला दिन का, ये सच में देखा जाए तो ये लड़की खुद की अपना दिन मना रहे थे यहाँ पे, वो एक महसूस हुआ। और जो डोंगरी होम में जैसे जब से शबाना शेख मैडम यहाँ पे आई है उन्होंने जैसे डोंगरी एरिया में जैसे बदलाव किया है, उसी तरह से अगर हम लास्ट थ्री ईयर से देख रहे हैं यहाँ पे, जब से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पे होम में आई है तब से 3 सालों में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आए जो कि बल्कि बहुत पॉजिटिवली है। तो एक तरह से जो पुलिस और बच्चों में जो एक डर का माहौल था वो एक निकलने का चांस आज यहाँ पे मिल गया है और पुलिस भी अपने मित्र होते हैं एक जागतिक महिला दिन के माध्यम से, ये एक हमने लगाव देखी है। जी जी मैडम, एक बात पूछना था आपसे, कैसा लगा था आपको ये पूरा प्रोग्राम? सब में हाईलाइट चीज़ क्या थी? सबसे हाईलाइट चीज़ ये थी कि जिस तरह से ये डिफेंस टेक्निक सिखाए गए कि जो छोटी जैसे बच्चों में, वो तो ठीक है डिफेंस टेक्निक आपने इसके पहले भी कहा, बच्चों में अचानक से एक लहर दौड़ पड़ी और सब चिल्लाने लगे जब मैडम वहाँ जाके कोराकम में जो है गाना गाने लगी। तो मैडम का ये जो एक फ्रेंडली नेचर है जो ना कि बाल कल्याण समिति के साथ भी है, सभी स्टाफ उनके साथ भी है और बच्चों के साथ है, वो इम्प्रोम्प्टो था, इम्प्रोम्प्टो वो चली गई, गाना कोई तो गा रहा था उनको ज्वाइन हो गई। तो ये एटमोसफियर बहुत जरूरी होता है हर किसी को काम करने के लिए और हर किसी को प्रोत्साहन करने के लिए, और बच्चे भी देख के उनको इतने खुश हो गए, तालियां बजा रहे थे, तो वो ये स्फूर्ति का जो एटमॉस्फेयर है वो उन्हीं की वजह से आया है और हम चाहते हैं कि ऐसे और सारे अफसर पुलिस में भर्ती होने चाहिए। जी सर, मैडम के सॉन्ग कैसा था जो गा रहे थे, सुर कैसा था, क्या था? मैडम का सुर तो बहुत अच्छा था लेकिन जो बच्चों के फूल जैसा चेहरा है वो बच्चों के, उन्होंने जब बातें की और वो खुद एक्शन करके वो गाना गा रहे थे, उसी तरह एक स्फूर्ति से सभी बच्चे उनके साथ में गाना शुरू कर दिए। हम आप दोनों को बता दें कि हम लोग प्रेस वाले लोग बहुत डरते हैं CWC वालों लोग से क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स रहते हैं JJ एक्ट में, तो इसलिए हमको भी थोड़ा सा, दोस्तों हम चाहते थे जो बच्चों का प्रोग्राम ये बच्चों का प्रोग्राम आपको सब दिखाए, जो बच्चों ने यहाँ पर डांस किया, जो यहाँ पर महिला घर में रहते हैं मगर कुछ एक्ट की वजह से हम उनका चेहरा नहीं दिखा सके, बहुत खेद है हमें उस बात के लिए, मगर हमने बहुत प्रोग्राम इंजॉय किया था। मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? चेहरा नहीं दिखा पाए वो एक प्रोटोकॉल है। मैं एक बात कहना चाहूँगी आज के प्रोग्राम
प्रोग्राम के बारे में कि पुलिस स्टेशन और बाल कल्याण समिति का संबंध और बच्चों का, ये सिर्फ केस से रिलेटेड होता है, उससे बाहर जाकर बच्चों के और स्टाफ के हैप्पीनेस के लिए महिला दिन बनाया, ये बड़ी बड़ी बात है। तो मैं शेख मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और सच में बच्चों के चेहरे खिल गए थे प्रोग्राम के बाद। तो ऐसे करते रहिए। हमने भी देखा मैडम, खुद की तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, अभी यहाँ से तारीफ आ रही है आपकी, आप अचानक दौड़ के गए वहाँ पर, वो गाना गाने लगे, क्या था ये सब? नहीं, मेरा तो एक्चुअल शौक ही है, और जो है डोंगरी चिल्ड्रन उनके बच्चों में आकर मेरा भी बचपना जो है बाहर आ गया, और मुझे बहुत ऐसा लगा कि हम मैं गाऊँ, और वो लोग में आके मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा, और बच्चे भी मेरे से बहुत घुलमिल गए थे, और मैं हमेशा आती हूँ और आते रहूँगी, इसके बाद भी अच्छे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम होंगे। तो मैं ये जो है आपको के इंटरनेशनल डे पे यहाँ पर, और आपने कल जो है नीचे वाड़ी बंदर में भी एक प्रोग्राम रखा कराठे बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने, व्हाट वाज इन योर माइंड? हमारे माननीय रिस्पेक्टेबल सीपी सर मुंबई, और हर 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 सीनियर सीपी सर ही सीपी सर करता है, मेन स्क्वाड होता है, मेन आइडिया जो रहता है, ब्रेन रहता है, वो पुलिस स्टेशन का रहता है, पुलिस स्टेशन के जैसे एपीआई मैडम है, जैसे आपने इनका लगाया, ये माइंड होता है, वो तो आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से नाम लेना पड़ता है। नहीं, हमारे वैसे भी वरिष्ठ का मार्गदर्शन था इसमें, और हमको भी जोश था, हमारी निर्भया टीम की जो है लेडी ऑफिसर चारू भारती, इसको मैंने जैसे बताया, उसने भी बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिया, और मैं चाहती थी मैंने जैसे वाड़ी बंदर में किया, जो स्लम एरिया है वहाँ पर किया, वो बहुत अच्छे से कामयाब हमारा ये कल का प्रोग्राम। उसके बाद मैंने बागरी लोग के लिए भी एक प्रोग्राम लिया कल, वो भी बहुत अच्छे से रहा, और मेरी सोच ऐसी थी कि चिल्ड्रन होम में मैं प्रोग्राम करूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई करता नहीं, यहाँ के बच्चे बहुत होशियार हैं, स्पेशल है, और वो लोग ने भी अपना जो टैलेंट बाहर दिखाया, हर एक बच्चा स्पेशल है, और हर एक लेडीज़ भी स्पेशल है, महिला दिन पर मैं बोलूँगी हर एक चाइल्ड स्पेशल है, तो बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया, वो बहुत खुश हो गए, और ऐसे मौके आना चाहिए बच्चे को टैलेंट दिखाने के लिए, कि मौके मिलना चाहिए, और इसके लिए हमको CWC कमिटी और यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट है कंटिकर साहब, इनका बहुत कोऑपरेशन मिला, और ये कोऑपरेशन के वजह से हम लोग ये सब दो दिन में अरेंज कर पाए। चारू भारती जी है, निर्भया स्क्वाड की हेड है। मैडम, डोंगरी पुलिस स्टेशन बहुत सेंसिटिव है, माइनॉरिटी इलाका माना जाता है, कैसा आप मैनेज करते हो ये, थोड़ा सा यहाँ आते हैं साथ में, कैसा मैनेज करते हो? पुलिस स्टेशन सेंसिटिव है, मगर उनका मेंटेलिटी चेंज करना तो हमारा काम है जी। जब हमें ये टास्क दिया गया कि 8 मार्च महिला जागतिक महिला दिन पर कुछ कर दिखाना है, तो जब मैंने सीनियर मैडम से बात की, तो हम तो रोज़ ही कॉर्नर मीटिंग लेते, मोहल्ला और शांतता का, इनके सबके मीटिंग लेते ही रहते, मगर मैडम का ये टास्क था कि हम कुछ अलग करके दिखाएं, और जहां हम प्रिवेंट करने को सोचते हैं कॉर्नर पे मीटिंग लेके, मैडम बोले जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जब हम उनसे उनको ही हम कुछ अलग बताएं, तो फिर मैडम ने ये टास्क दिया, और दो दिन में ये टास्क CWC के मदद से ये पूरा हो पाया जी, जी। और मैडम ने पुश किया और हमने आज ये करके दिखाया ये प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग का। एंड अरे सुपरिटेंडेंट साहब आइए आइए, आप तो मेन हो सर, आप तो मेन हो सर, आपने एंट्री दिलवाते हो अंदर आने की जी। सुपरिटेंडेंट साहब से बात करते हैं, फौरन गोल गोल जा रहे हैं जी। सर कैसा रहा ये प्रोग्राम, शॉर्ट में बताइए, बहुत लंबा हो गया कैसा? बेसिकली पुलिस के द्वारा कोई बच्चों के साथ प्रोग्राम करना ये पहली बार हुआ है, और मुझे लगता है कि निर्भया पथक के द्वारा जो मैसेज इस जाना चाहिए वो मैसेज यहाँ पे गया है आत्म सुरक्षा के बारे में। अभी हमारे थ्रू भी चले जाएगा और लोग यस, और आपके थ्रू भी। मैं एक बात मैं आपको नोटिस कर रहा था, मैं भी पिछले एक घंटे से बैठ के देख रहा था, मैंने बहुत इंजॉय किया, मैं आपको देख रहा था कि आप ज़्यादातर उस चीज़ में थे कि बच्चों का फोटोग्राफ में नहीं आवे और ये नहीं आवे, आप ज़्यादातर उसी चीज़ में ध्यान दे रहे थे। यस, क्योंकि ये ज़रूरी है, बाल न्याय अधिनियम 2015 ये जो एक्ट है, इस एक्ट में बताया गया है कि इस जो भी बच्चे हैं उनके फेस हम बाहर दिखा नहीं सकते, ये कानूनी ये है, इसके लिए हम ये हमें खबरदारी लेनी पड़ती है, और यहाँ पे CWC के भी वैसे सूचना थी कि उतना आप इस सूचना का पालन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ हैं अमजद खान साहब, बॉम्बे प्रेस में रिपोर्टर हैं। अमजद भाई, आज आपने जो गाना गाया बच्चों के लिए, पहले से तैयारी की थी कि क्या थी? तैयारी तो हमारी हमेशा ही रहती है, क्योंकि मैं कराओके सिंगर हूँ। अचानक सीनियर मैडम उठ के आ गए, और तो इट वाज अ प्लान्ड, और नहीं प्लान कुछ भी नहीं था। हाँ। एक असल में डोंगरी के जो पीआई मैडम है,
उनको मतलब मेरा गाना सुनना था, उन्होंने मतलब मुझे बोले थे कि भाई माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया उन्होंने भी, बहुत अच्छा लगा। अचानक सीनियर मैडम आ गए तो आप थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उस टाइम पे, मेरी लाइन कौन सी है, मैडम की लाइन कौन सी है ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चे लोग ने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारे साथ है काजी भाई। काजी भाई, चिल्ड्रन रूम के अंदर ये प्रोग्राम बच्ची लोग के लिए रखा गया, सिर्फ लेडीज स्पेशल इंटरनेशनल वुमेन डोंगरी पुलिस की तरफ से, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोग को खुश देख के, बच्चे लोग के जो जज्बे देख के उन्होंने यहाँ पे डांस का प्रोग्राम किया तो बहुत अच्छा किया है। लोग क्या है कि इन लोगों को बाहर की लोकेलिटी दुनिया के बारे में मालूम नहीं है, तो उन लोगों को मालूम पड़ा, लोग आए उनके साथ में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट किया तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने तो बताया कि भाई एक ही दिन में लोग ने प्रोग्राम अरेंज किया और डोंगरी पुलिस में सीनियर पे सबाना शेख ने अरेंज किया, उनके साथ में जो टीम है उन्होंने अरेंज किया, लेकिन उनके बच्चों के जो चेहरे पे जो खुशी देखी बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, हर आदमी यहाँ पे आवे और उसके साथ में बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करे। बहुत बहुत शुक्रिया।